नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे शंकराचार्य की पहचान, उनकी भूमिका और उनके द्वारा धारण किए गए दंड और ध्वज का महत्व। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं आदि शंकराचार्य की महत्वपूर्णता। आदि शंकराचार्य एक प्रमुख हिंदू धार्मिक शिक्षक थे, जिनकी आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति गहन समझ के लिए उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखा जाता है। वे अद्वैत वेदांत के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने संस्कृत भाषा में अपार ज्ञान प्राप्त किया था। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के चार क्षेत्रों में चार मठों की स्थापना की। इन मठों के प्रमुख शंकराचार्य कहलाए। ये चार मठ हैं: उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, पश्चिम में शारदा मठ द्वारका। वर्तमान में इन मठों के प्रमुख चार शंकराचार्य हैं। उदाहरण के लिए, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगतगुरु भारती हैं। अब बात करते हैं शंकराचार्य के दंड और ध्वज की। शंकराचार्यों द्वारा धारण किए जाने वाले दंड और ध्वज का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। दंड उनके दिव्य संपर्क का प्रतीक होता है, जबकि ध्वज उनके शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका को दर्शाता है। शंकराचार्य बनने के लिए कुछ विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण है सन्यासी बनना, जिसमें सांसारिक जीवन का त्याग, मुंडन संस्कार, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना शामिल है। शंकराचार्य का चयन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार होता है, जहां पूर्व शंकराचार्य अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। शंकराचार्य की भूमिका सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार माना जाता है और उनकी सलाह अंतिम मानी जाती है। वे अपने मठों से संबंधित निर्णय लेते हैं और धार्मिक मामलों में निष्पक्षता से सत्य का प्रचार करते हैं। शंकराचार्यों को अक्सर दंड के साथ देखा जाता है, जो उनके दंडी सन्यासी होने का प्रतीक है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्हें यह दंड उनके गुरु से मिलता है, जो इसे भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियों से आशीर्वादित करते हैं। तो दोस्तों, यह था शंकराचार्य के परिचय और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको शंकराचार्य और उनकी भूमिका को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।